नमस्कार दोस्तों, कुमार फर्स्ट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त महेश कुमार। आज का जो वीडियो है वो है हर्बल लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसपे सबसे ज्यादा मुझे सवाल पूछे गए। मैंने इससे पहले एक पोल क्रिएट किया था जिसपे सबसे ज्यादा रेटिंग मुझे मिली थी कि हर्बल लाइफ मशीन के बारे में। लेकिन जैसे ही फरवरी महीना स्टार्ट हुआ उसके बाद लोग मुझे पूछने लगे, सर रिक्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, रिक्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। तो आज का जो वीडियो है वो है हर्बल लाइफ के रिक्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिक्वालिफिकेशन क्या है और रिक्वालिफिकेशन किन किन को करना पड़ेगा, अगर आपने रिक्वालिफिकेशन नहीं किया तो आपको क्या नुकसान होगा, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही इसमें ये भी बताऊंगा कि फूड लाइसेंस की हर्बल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये पूरा वीडियो आप इस चैनल पे नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको आपको पता ही है कि आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, 9000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है इस चैनल पे और आपका मुझे खूब प्यार मिला। लेकिन ये आप पूरा वीडियो देख पाएंगे मेरे न्यू चैनल हेल्थ एंड फिटनेस दोस्त पे। जी हाँ, आपको इसी जितना आपने मुझे इस चैनल पे प्यार दिया वैसे ही आपको सेम प्यार मेरे न्यू चैनल को भी देना है। उसे सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो रिक्वालिफिकेशन वाला पूरा जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ कि किस तरह से आप रिक्वालिफिकेशन कर सकते हैं, कितने आपको वॉल्यूम पॉइंट करने होंगे, किस तरह से ये सारे वॉल्यूम पॉइंट को आप किसका क्या टाइम पीरियड रहेगा, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरे न्यू चैनल हेल्थ एंड फिटनेस दोस्त पे ही मिलेगी। तो उस चैनल पे जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हेल्थ एंड फिटनेस दोस्त मेरे न्यू चैनल पे। बाय।